कुक विद सुनीता यादव में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए कद्दू की कुल्फी बना रही हूँ। उसकी सामग्री इस प्रकार है। ये मेरे पास है, मैंने कद्दू को कस लिया है, मलाई केसर को मैंने भिगो दिया है, इलायची पाउडर, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, एक चम्मच घी, ये 200 ग्राम चीनी है और ये दो चम्मच कोकोनट पाउडर। ये मैंने 250 ग्राम कद्दूकस किया था, उसके हिसाब से ये 200 ग्राम चीनी है। आइए हम बनाते हैं इसकी कुल्फी। यहाँ पे हम ये एक चम्मच घी डालेंगे। अब ये हमारा घी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हमको ये कसा हुआ कद्दू इसमें डालना है। ये देखिए, मैं 250 ग्राम कद्दू लिया था, मैंने कद्दू को कस लिया है और इसको घी में बिल्कुल हमको बहुत अच्छे से भूनना है ताकि कद्दू का जो फ्लेवर है बिल्कुल निकल जाना चाहिए, एकदम घी की खुशबू आना चाहिए। जब इस तरह से ये भून जाएगा तो इसमें एक अलग ही खुशबू आने लगेगी। इसको 5 से 7 मिनट हमको बहुत अच्छे से भूनना है, इसका जो पानी है बिल्कुल सूख जाएगा। देखिए कद्दू हमारा भून चुका है और इस स्टेज तक आपको कद्दू को भूनना है ताकि इसका जो पानी है एकदम से सूख जाए। अब हमको इसको इसमें दूध डालना है। जितना हमने कद्दू लिया था उसी कटोरे से नाप के हम ये दूध ले लेंगे। ये सारा दूध इसमें डाल देंगे हम। ये 250-300 ग्राम के करीब होगा है दूध। अब इस दूध को हमको अच्छे से गाढ़ा करना है। अब इसमें हम हमारे पास एक कोकोनट पाउडर है, इसको डाल देंगे हम। हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल देंगे हम इसमें, थोड़े से हम बचा लेंगे बाद में डालने के लिए, बाकी हम सब इसमें डाल देंगे। अब हमको इसको जब तक चलाना है तब तक कि हमारा दूध ये आधा ना हो जाए। इस तरह से देखिए हमारा ये कद्दू और दूध गाढ़ा हो चुका है। ये हमारा कद्दू देखो एकदम फूल चुका है, इसमें जो कोकोनट डाला था। अब इस तरह से ये हो चुका। अब इसमें हमको ये हमने जो केसर लच्छा था उसको घोल लिया था वो इसमें डाल लिया है। हमारे पास थोड़ी सी मलाई थी, अब उसको मलाई को हमने डाल दी। इस तरह से हमको चला लेना है। ये अच्छे से मलाई हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हमको गैस को बंद कर देना है। गैस को इसमें हमें इलायची पाउडर डालना है। ये देखिए अब हमारी जो कद्दू हमने गाढ़ा हो चुका है, ये आइसक्रीम के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें हमको ये चीनी डालनी है। चीनी ये 200 ग्राम चीनी है। जब बिल्कुल ठंडी हो गई तब हमको इसको चीनी को इसमें डालना है और इस तरह से इसको चलाना है। और इसको चलाने के बाद जब ये बैटर बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब हमको मिक्सी में इसको पीसना है। बस अब इसको मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिक्सी में पीस लिया है और एक ऐसा बैटर बनके तैयार हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, कुछ बूंदे हम इसमें गुलाब जल की डाल देंगे, या आपके पास कोई एसेंस है तो आप कोई डाल सकते हैं, केवड़ा हो डाल सकते हैं, कुछ भी। अब इसको हम इन छोटे छोटे ग्लास में भरेंगे। सबसे पहले इसमें नीचे थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे हम। अब इनको इस तरह से हमने सारा ये कुल्फी का मटेरियल इसमें डाल दिया है। अब एक एक कप को हम इस तरह से लेंगे और सिल्वर फॉइल से पैक कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ये स्टिक लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से इसको हमको बड़े वाले को भी ऐसे ही करना है। इस तरह से आप बटर पेपर लगा दीजिए ताकि इसके ऊपर बर्फ़ की क्रिस्टल न जमे।
नहीं तो इसके अंदर ऊपर बर्फ़ जम जाती है तो खाने में अच्छी नहीं लगती है। एकदम ही सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम बनकर के इस तरह से तैयार है। इसी तरह से सारे हमने इसमें तैयार कर दिए। अब इसको फ्रीजर में 6 से 7 घंटे के लिए रख देंगे। जब बनकर के तैयार होगी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कद्दू की कुल्फ़ी बनकर के तैयार है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसी है। इस तरह से आपको पानी में इसे डालना है और ये देखिए ये देखिए कुल्फ़ी हमारी बनकर के तैयार है। इसी तरह से हम एक और निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी कद्दू की कुल्फ़ी एकदम बनकर के तैयार है। बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। आप मेरी इस रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।